सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। फैटी लीवर क्या होता है और ये क्यों बनता है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो लोगों को इसकी ग्रेड के कारण होती है, जो इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड होती है। और जो दूसरी कन्फ्यूजन है वो है, जब आप डायग्नोज होते हैं और डॉक्टर से आप इसका ट्रीटमेंट पूछते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं बताया जाता, सिर्फ आपको खाने पीने का परहेज़ बताया जाता है। यहाँ पर गाइज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो FDA है उसने फैटी लीवर के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताई है, क्योंकि ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने पीने के कारण होने वाली बीमारी है, जो कि पूरी तरह से रिवर्सिबल है। जी हाँ, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बशर्ते आप अपना खाने पीने का और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं तो ये पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। और गाइस, जो दूसरी कन्फ्यूज़न होती है ना फैटी लीवर को लेकर, वो होती है जब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि आपने डाइट में क्या खाना है, क्योंकि ये देखिए अनहेल्दी डाइट के कारण होती है और लाइफस्टाइल के कारण। तो जो जब डॉक्टर से आप पूछते हैं कि फैटी लीवर में क्या खाना है, तब आपको क्या बताया जाता है कि आप स्पाइसी मसालेदार चीज़ें ना लें, जो कि हर बीमारी में मना की जाती है। फिर आपको कहा जाता है कि आपने फ्राई चीज़ें नहीं लेनी, आपने ऑयली चीज़ें नहीं लेनी, और ये भी लगभग हर बीमारी में आपको एडवाइस किया जाता है। फिर आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने मेडिटेशन करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने मॉर्निंग वॉक करना है, जो कि लगभग हर बीमारी में कहा जाता है। तो गाइस, कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ तो ये जो आपको सारी एडवाइस दी जाती है ना, ये लगभग सभी बीमारियों में कॉमन होती है। लेकिन फैटी लीवर में क्या चीज़ करनी चाहिए, तो गाइस यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो पूरी तरह से एक डेडिकेटेड वीडियो है फैटी लीवर के बारे में, कि ये क्यों बनती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं फैटी लीवर से, तो आप ऐसा क्या करें कि फैटी लीवर पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग फैटी लीवर को नज़रअंदाज करते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने फैटी लीवर को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो फैटी लीवर को समझने से पहले आपको लीवर के बारे में थोड़ी सी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपके लीवर के बारे में, मतलब कि हमारे लीवर के बारे में। तो गाइस, जो लीवर है उसका यूजली जो वेट है ना, एडल्ट वेट में आपको बता रहा हूँ, जो कि एक वयस्क में मिलता है, वो 1.5 किलो के अराउंड का होता है, मतलब कि 1500 ग्राम इसका एक वयस्क में वेट होता है मेल के अंदर। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो लीवर का वेट है वो थोड़ा सा कम होता है। अब बात करते हैं इसके काम की। तो गाइस, लीवर ना बॉडी का सेकंड ब्रेन आप कह सकते हैं। ये बहुत सारी प्रोसेस करता है हमारे शरीर में। सबसे पहले तो जो आप खाना खाते हैं, जो भी आप कुछ पीते हैं, जो खाने के अंदर और पीने के अंदर हानिकारक मटेरियल होता है ना, जो भी सब्सटेंस होते हैं, ये उनको फ़िल्टर करता है और उसको शरीर से फ्लश आउट करता है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि ये जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसको ये फ़िल्टर करता है। दूसरा है कि ये हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता, उसको भी इंक्रीज़ करता है। साथ ही जब भी हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, या हमें चोट लगती है, या इन्फ्लामेशन होती है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है ना, और जब कोई भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस हमारे शरीर में आता है, तो ये ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू उसको फिल्टर करता है और उसको फ्लश आउट करता है। तो गाइज, इसके बहुत सारे काम हैं। ये हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, पहला स्किन है और दूसरे पर लीवर आता है। तो गाइस, कुल मिलाकर लीवर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे हिंदी में यकृत बोलते हैं या आम भाषा में इसे जिगर बोलते हैं।
ओके गाइस, तो ये तो इंट्रोडक्शन था लीवर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है, और बहुत ही आसान शब्द में अगर मैं आपको समझाऊँ तो गाइस, फैटी लीवर का मतलब है कि वसा की जो चर्बी होती है उसकी मात्रा लीवर में ज़्यादा हो जाना। कुछ मात्रा लीवर के अंदर होती है क्योंकि लीवर को भी उसके फंक्शन के लिए, उसके काम करने के लिए कुछ वसा की, कुछ चर्बी की, कुछ फैट की ज़रूरत होती है जो कि लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कितनी फैट स्टोर करके रखता है, देखिएगा इस जो लीवर का वेट है उसके 5% का ये अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर 5% या 5% से ज़्यादा लीवर के अंदर फैट स्टोर हो जाता है ना, तो इस स्टेज को फैटी लीवर कहा जाता है। और जो इसकी स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ये इसके फैट को इंडिकेट करती हैं स्टेज 1 में, स्टेज 2 और स्टेज 3 में। तो ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 का। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर कितनी तरह का होता है। तो गाइस, जो फैटी लीवर है ये 2 तरह का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो लोग शराब पीते हैं उन्हें अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है, और जो लोग शराब नहीं पीते उन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है और अल्कोहलिक फैटी लीवर है ना, इसमें से लोगों को सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है क्योंकि शराब पीने वाले बहुत कम है, लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के जो पेशेंट हैं ना, इनमें भी आगे जाकर कई तरह के फैटी लीवर होते हैं। जैसे एक होता है नॉन अल्कोहलिक सिंपल फैटी लीवर, मतलब जिनको केवल फैट की मात्रा ही लीवर में ज़्यादा होती है उन्हें नॉन अल्कोहलिक सिंपल फैटी लीवर कहा जाता है। एक होता है जब लोगों को फैट तो होता ही है लीवर में, लेकिन साथ ही लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को नैश बोला जाता है, मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। और गाइस, एक होता है एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि लास्ट ट्राइमास्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, और ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी डिलीवरी करवाने के लिए आपको बोलते हैं ताकि बेबी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और एक बार डिलीवरी हो जाती है तो जो फैटी लीवर है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की। जिन लोगों के लीवर में ओनली फैट होती है, इन्फ्लामेशन नहीं होती, उन्हें सिंपल अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है। और जिन लोगों के लीवर में फैट और इन्फ्लामेशन दोनों होती है उन्हें ऐश बोला जाता है, मतलब कि अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। और गाइस, एक बार फैटी लीवर डायग्नोज होने के बाद अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो ये जाकर फाइब्रोसिस ऑफ लीवर में बदलता है, और उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर में बदलता है। और अगर वहाँ पर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो पेशेंट को लीवर कैंसर हो जाता है या फिर एटलीस्ट लीवर फेल हो जाता है। तो गाइज, ये तो बात थी इसकी कैटेगरी की कि फैटी लीवर कितनी तरह का होता है। अब बात करते हैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की। तो सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के देखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात तो समझ आती है कि चलो, जिन लोगों को शराब पीने की आदत है उन्हें फैटी लीवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग शराब नहीं पीते उनको फैटी लीवर कैसे हो जाता है? तो गाइस, जो लीवर में फैट है वो एक प्रोसेस के कारण बनती है जिसे डीनोवो लिपोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डीनोवो का मतलब है फ्रॉम न्यू और लिपोजेनेसिस का मतलब है फैट मेकिंग। अब इसको इकट्ठा करें तो फैट मेकिंग फ्रॉम न्यू मटीरियल, मतलब कि जो भी आप खाते हैं पीते हैं उससे फैट बनता है। और यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी और थोड़े से लोग शॉक भी होंगे, लेकिन गाइज ये बिल्कुल सच है। जो भी आप चीज़ खाते हैं पीते हैं उसके कारण जो लीवर है डीनोवो लेपोजेनेसिस प्रोसेस के कारण फैट बनाता है और फैट को स्टोर करता है। और जब ये फैट 5% या 5% से ज़्यादा होती है तब आपको फैटी लीवर डायग्नोस किया जाता है। गाइस, जब फैटी लीवर होता है तब इसके कुछ साइन और सिम्टम्स भी शरीर में महसूस होते हैं, कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जो कि हैं आपको राइट अपर पार्ट है जो एब्डोमन का, वहाँ पर भारीपन महसूस होगा या फिर हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। और जब इसकी ग्रेड ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में ये जाएगा, तब इसका जो पेन है वो भी ज़्यादा होगा।
क्योंकि लीवर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, इसीलिए आपका जो डाइजेशन है वो भी खराब हो जाता है। मतलब आपका जो खाना है वो ढंग से नहीं पचता, खाना खाने के बाद आपको पेट भरा भरा महसूस होगा। कई बार लोगों को अपच की प्रॉब्लम होती है, खाना उनको पचता नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को फैटी लीवर के दौरान उनका जो पीठ का हिस्सा है ऊपर की साइड, राइट साइड जो अपर बैक है, वहाँ पर भी पेन महसूस होता है। साथ ही लोगों को लिथर्जी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, और कई लोगों को नोजिया वोमिटिंग भी महसूस होता है जब इसकी ग्रेड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज़, ये कुछ प्रकार के साइन और सिम्टम्स थे जो कि आपको फैटी लीवर में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ तरह के मिथ भी बताने वाला हूँ जो कि अक्सर लोगों को होते हैं जब उन्हें फैटी लीवर डायग्नोज किया जाता है। तो गाइस, जो सबसे पहला मिथ है वो है कि आप हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, इसके कारण आपको फैटी लीवर हुआ। तो गाइस, ये बिल्कुल ही गलत है। ये एक मिथ है जो लोगों को होता है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट के कारण आपको फैटी लीवर हुआ है। और गाइस, जो दूसरा मिथ है वो है फ्राइड फूड। जी हाँ गाइस, फैटी लीवर कभी भी फ्राइड फूड के कारण नहीं होता। और जो तीसरा मिथ है वो है कंज्यूमिंग हाई फैट फूड। जी हाँ गाइज, ये फैटी लीवर जो बीमारी है ये कभी भी हाई फैट डाइट को लेने से नहीं होती है, होती होगी लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो गाइज, अब सीधा हम काम की बात पर आते हैं कि आपको फैटी लीवर जो है वो किस कारण से हुआ। तो गाइज देखिए, अगर आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं तो जो सबसे बड़ा कारण है फैटी लीवर होने का वो है कार्बोहाइड्रेट। और गाइज, इसके बारे में मैंने अच्छे से स्टडी करी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो फैटी लीवर है वो आपको हाई प्रोटीन डाइट के कारण नहीं हुआ, फ्राइड फूड के कारण नहीं हुआ, फैट वाली चीज़ों से नहीं हुआ। आपको जो फैटी लीवर है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के कारण हुआ है, या फिर ऐसे फूड जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, या फिर शुगर ज़्यादा होती है, या फिर फ्रैक्टोस ज़्यादा होता है। इसके कारण गाइज सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है। और गाइज एक और है वेजिटेबल ऑयल। अगर आप किसी भी तरह कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले रहे हैं तो उसके कारण भी फैटी लीवर होता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ऐसे कुछ तरह के वेजिटेबल ऑयल हैं जिसके कारण फैटी लीवर होता है। तो गाइज, अगर आप शुगर ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर आप ग्रेन्स ले रहे हैं जिसके अंदर वो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, या फिर आप ऑयल ले रहे हैं, तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब गाइज, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रहा हूँ जो कि आपको फैटी लीवर को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो गाइज, जो सबसे पहला नंबर है वो है विटामिन ई। विकिपीडिया के अनुसार विटामिन ई आपको फैटी लीवर से रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गाइज, जो सेकेंड नंबर पर है वो है ओमेगा 3। जी हाँ गाइज, ओमेगा 3 आपको फैटी लीवर से रिकवर करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और जो तीसरा नंबर है वो आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी, वो है गाइस हल्दी। अगर आप हल्दी कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर बर्बरिन आपको मिलता है जो कि फैटी लीवर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, या फिर बर्बरिन का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा फैटी लीवर से रिकवर करने में। साथ ही गाइज, आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, उसकी आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और उसे खाली पेट पिएं, और शाम को भी ऐसा ही करें, तो आपका जो फैटी लीवर है वो 4 हफ्ते में काफ़ी रिकवर हो जाएगा। और गाइज, जो एप्पल साइडर विनेगर है उसकी आपको मदर फॉर्म लेनी है, मतलब कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा प्योर एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए। तो गाइज़, ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपका जो फैटी लीवर है ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो गाइज़, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी और लाइक भी ज़रूर कर देना, क्योंकि गाइज़ आपका लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और शेयर उन लोगों के साथ करना जो फैटी लीवर से परेशान हो, क्योंकि गाइज ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।